मुबारक हो, मुबारक। धन्यवाद धन्यवाद, मुबारक हो, मुबारक। अरे नमस्कार, तिवारी जी जरा संभालिए। धन्यवाद, बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आप ही लोगों के सहयोग और दुआओं की वजह से मैं यहां तक पहुंचा हूं, और मैं यकीन दिलाता हूं कि आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। अब मैं कुछ कहूंगा नहीं, क्योंकि अब कहने का वक्त नहीं है, बल्कि करने का वक्त। मैं हमारे आदरणीय शर्मा जी का बहुत आभारी हूं। हमारी पार्टी की बागडोर आज तक इन्होंने संभाली है, इसलिए मैं इनसे मार्गदर्शन और आशीर्वाद की उम्मीद रखता हूं। शर्मा जी, हमारी दुआएं और आशीर्वाद तो हमेशा आपके साथ हैं। रही बात मार्गदर्शन की, आप जो वह लोग राजनीति की नई पीढ़ी हैं, आप अपने ढंग से काम कीजिए, हमें भी आपसे कुछ सीखने का मौका मिलेगा। विश्वनाथ जी, अब आप तैयार हो जाइए, कल सुबह की मीटिंग में सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली जाएंगी और आप राज्य के नए मुख्यमंत्री होंगे। पठानों की आवाज सुनी तुमने? ये नई ताजा खबर मिली कि नहीं तेरे को? वो बुड्ढा बोल रहा है कि वो अपनी कुर्सी विश्वनाथ वर्मा को दे रहा है। अब हमारा सीएम विश्वनाथ वर्मा होगा। खबर तो अच्छी नहीं है, पर अब करना क्या है? वही जो सोचा था, मैं इंतजाम करता हूं। माली चाचा, ये फूल क्यों काट दिया? मैं अपने काम का हिसाब किसी को नहीं देता। तुमने पूछा इसलिए तुम्हें बता देता हूं। ये फूल जिस डाली में था वो कांटों से भरी हुई थी। फूल जब भी अपनी मस्ती में लहराता, बाकी के फूलों को घायल कर देता था। इसे काटना जरूरी था, इसीलिए काट दिया। तुम जाओ और किसी से मत कहना। ओ पांडे जी भाई, धन्यवाद धन्यवाद पांडे जी। एक मिनट पांडे जी। असलम भाई, अरे साहब, इनायत है आपकी। आपकी इनायत के बगैर ये कैसे मुमकिन था? रंगराजन जी, थैंक यू वेरी मच, इट्स योर सपोर्ट ओनली। अरे अब छोड़िए बिना फोन को। आई विल गेट बैक टू यू, ओके? घड़ी की तरफ देखिए,
सुइयां कह रही हैं कि वक्त आ गया है, और वैसे भी आपके पास मेरे लिए वक्त ही कहां होता है, और आज के बाद तो शायद। ये क्या बोले जा रही हो? सुनो, आज मैं जो कुछ भी हूं सिर्फ तुम्हारी वजह से, और जो कुछ भी बनने जा रहा हूं वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। सच कहूं, मेरी सफलता के पीछे तुम्हारी खामोश साधना है। आज हमारी पार्टी का हर छोटा बड़ा वर्कर तुम्हें जानता है। अगर मेरे और तुम्हारे बीच में कभी चुनाव हो ना, तो यकीनन जीत तुम्हारी होगी। छोड़िए भी ये बातें, बहादुर साहब के जूते पॉलिश किए, नए वाले सॉक्स देना, और ड्राइवर को कह दो कि साहब 2 मिनट में बाहर आ रहे हैं। जी। और हाँ, इस खुशी के मौके पे ज्यादा मिठाई मत खा लीजिएगा, वरना डॉक्टर की झिड़की आपकी जगह मुझे सुननी पड़ती है। सर, ये है आज के आपके अपॉइंटमेंट्स। मीटिंग के इमीडिएटली बाद टीवी पर आपका इंटरव्यू होगा। और तिवारी जी, मीटिंग के बाद के सारे अपॉइंटमेंट कैंसल। अरे, आप खड़े क्यों हैं? कहा ना, आज के सारे अपॉइंटमेंट कैंसल। लीजिए, थैंक यू। भाई, बात यह है कि आज हमारा बड़ा खास अपॉइंटमेंट है। हमारी जिंदगी के साथ आज की शाम स्मृति वर्मा के नाम, हमारी धर्मपत्नी के नाम। मैं जानती हूं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आने वाला वक्त सिर्फ मेरा हक छीनेगा। आप सबके होंगे, मगर आपके पास मेरे लिए वक्त नहीं होगा। पर हर बड़े आदमी की बीवी का नसीब यही होता है। अब से चंद घंटों बाद आप जहां भी जाएंगे, इतिहास आपके साथ साई की तरह जाएगा, और आपकी बीवी हूं इसी गर्व के साथ जीने की कोशिश करूंगी। साहब, टाइम हो गया है, चलें। हेलो, सुनो, समझ गया ना? चलो,
साथ कहना पड़ रहा है कि प्रसिद्ध जनसेवक श्री विश्वनाथ वर्मा एक आत्मघाती हमले में बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। वेरी बैड न्यूज। डॉक्टरों का कहना है कि उनकी हालत खतरे से बाहर नहीं है। वेरी वेरी बैड न्यूज। मतलब बच भी सकता है, यानी मेरी कोशिश बेकार। जल्दी से अगर मुझे खुशखबरी नहीं दी कि वो मर गया तो मैं अस्पताल आके मारूंगा। ये तय है कि उसकी उम्र खत्म हो चुकी है। अभी मिली ताजा जानकारी के मुताबिक श्री विश्वनाथ वर्मा को डॉक्टर्स नहीं बचा सके हैं, उनकी मृत्यु हो गई है। मर गया। माँ, माँ वो मर गया, मैंने उसे मार डाला। आज मैं बहुत खुश हूं, आज मेरे जीवन का मकसद पूरा हो गया। जो इंसाफ पुलिस नहीं दिला सकी, जो इंसाफ अदालत नहीं दिला सकी, जो इंसाफ समाज नहीं दिला सका, वो इंसाफ मैंने खुद ने पा लिया। ना वकील, ना दलील, ना सबूत, ना गवाह, और फैसला हो गया। 20 साल पर सबके सामने दिन दहाड़े, और इस फैसले की कोई अपील भी नहीं हो सकी। आओ ऑफिसर, मैं तो खुद आपके पास आ जाता मगर मैं यहां आ गया मां को खुशखबरी देने के लिए। थैंक यू कैन। अरे अपनी पिस्तौल जेब में रख लीजिए, हाथ में रखने की जरूरत नहीं, आपको मुझसे कोई खतरा नहीं। मैं तो अपने घर के चूहे भी नहीं मारता। आई लव पीस एंड काइंडनेस। आप अपना काम कर लीजिए, मेरे हाथों में हथकड़ियां डाल दीजिए। बांध दीजिए मेरे हाथों में हथकड़ियां और डाल दीजिए मेरी कमर में रस्सी और ले चलिए मुझे शहर की गलियों से घुमाते हुए थाने, थाने से कोर्ट, कोर्ट से जेल, ताकि सारी दुनिया देखे और जाने कि ये गरीब और मजबूर मां का बेटा अकेला अपने दम पे क्या कर सकता है। रही बात मर्डर वेपन, ये लीजिए। मैडम, बाय मॉम। आइए मैडम। संभालिए अपने को मैडम, संभालिए अपने को प्लीज मैडम, प्लीज संभालिए। मुबारक हो भाई। बहुत बहुत मुबारक हो। कर दो इसे। क्यों बंद कर रहे हैं मुझे एसीपी साहब? एसीपी साहब क्यों मुझे बंद कर रहे हैं? क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? जब मैं कह चुका हूं कि मैंने खुद किया है, किया है, मैंने खुद किया है, मैंने कहा ना, मैंने खुद किया, मैंने खुद किया, मैंने खुद किया है।
एसीपी साहब मेरी बात सुनिए, एसीपी साहब मेरी बात सुनिए, मुझे हवालात में बंद करने के बजाय ले चलिए उस जज के पास और कहिए उसे कि लिखे टू बी हैंग बाय नेक टिल डेथ। एसीपी साहब, जज साहब से कहिए ना अपने दस्तखत करके कलम को तोड़ दे, उसके बाद मैं नहीं, तू नहीं, ये नहीं, वो नहीं, कंप्लीट अंधेरा, अ पेग राउंड जीरो। क्या बात है सर, आप इतनी गहरी सोच में क्यों डूबे हुए? एक बात कहूं सर, आपके चेहरे पर ये सीरियस एक्सप्रेशन बिल्कुल सूट नहीं करता सर, ये तो खुशी का मौका है। अब देखिए ना, कातिल हमारे हाथ लग चुका है, मर्डर वेपन भी हमारे पास है, और सबसे बड़ी बात यह है कि कातिल ने खुद ही अपने क्राइम का कन्फेशन कर लिया है। सर आई टेल यू वन थिंग, कल अखबारों में हमारी तस्वीरें छपने वाली हैं, डिपार्टमेंट से हमारे लिए कांग्रेचुलेशन के फोन आने वाले हैं, मैसेजेस आने वाले हैं। सर ये केस हमने बहुत ही कम वक्त में सॉल्व किया है, वी हैव टेकन द शॉर्टेस्ट टाइम टू सॉल्व दिस केस। सर इससे पहले कोई और खबर आए क्राइम की आपके फोन पर, लेट्स गो आउट एंड सेलिब्रेट। ओके हेलो एसीपी साहब, फॉरेंसिक लैब से सुब्रमण्यम बोल रहा हूं। कहिए डॉक्टर। क्या बात है सर, किसका फोन था? फोरेंसिक लैब से डॉक्टर सुब्रमण्यम का फोन था। उनका कहना है कि जो गोली डेड बॉडी से बरामद हुई है, यानी कि जिस गोली से वर्मा साहब की हत्या की गई थी, वो उस पिस्टल से नहीं चलाई गई जिसे हमने मर्डर वेपन समझकर फोरेंसिक लैब भेजा था। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने हमें मिसगाइड करने के लिए किसी दूसरे वेपन का इस्तेमाल किया? हो सकता है, क्रिमिनल माइंड कुछ भी कर सकता है। वो लड़का मुझे उतना सीधा नहीं लगता जितना वो दिखता है। आई थिंक यू आर राइट सर, अगर उसे दुनिया को बताने का इतना ही शौक था कि उसकी मां पर जो अत्याचार हुए हैं उसका बदला ले रहा है, तो फिर वो वहां से भागा क्यों? वो भी अपना जूता छोड़। कुछ सवालों का जवाब उसी से पूछा जा सकता है। कैसे पूछेंगे सर, वकील की तरह, जर्नलिस्ट की तरह, या फिर पुलिस की तरह? हेलो एसपी विजय। हेलो सर, मैं इंस्पेक्टर कामत। सर मैं अश्विनी हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। सर वर्मा साहब की सिक्योरिटी गार्ड राम सिंह को होश आ गया। ठीक है, हम वहां पहुंच रहे हैं। क्या हुआ सर? अश्विनी हॉस्पिटल जाना। लेकिन सर हम तो उस कातिल से। हाँ, उससे पहले सिक्योरिटी गार्ड की कहानी उसकी जुबानी सुनना जरूरी है। कम विद मी सर। दफा 302 ताज़ीराते हिंद, फांसी की सजा, सारी प्रॉब्लम सॉल्व, जिंदगी भर का दर्द, मां के आंसू, वो खामोश चीखे, सबका आसान,
चिल्लाया भाई? मैं तो कुछ बोला ही नहीं। मैं तो पिछले 20 वर्षों से इस खामोशी के पिंजरे में बंद हूं। याद आया, चिल्लाया था। मैं अब कभी नहीं सो सकता। मैंने तो नींद का मर्डर कर दिया है। सुनो, तुम वर्मा साहब के सिक्योरिटी गार्ड थे ना? जी हाँ। तुम्हें गोली कैसे लगी? उन्हीं लोगों की गोली जिन्होंने साहेब पर गोलियां चलाई। कितने थे वो लोग? मैंने दो को देखा, एक सड़क पर साइकिल पर था, दूसरा बिल्डिंग के थर्ड फ्लोर पर टेलीस्कोप गन के साथ। इसके पहले कि मैं गन निकालता, मुझे गोली लगी और मैं गिर पड़ा। लेकिन मैंने भी गिरते गिरते गोली चलाई, शायद टेलीस्कोप गन वाले गोली लगी हो। अरे आ गए आप लोग, मुझे लेने आए ना? चलिए चढ़वा दीजिए मुझे फांसी पे। ऐसे क्या देख रहे हैं? शायद फांसी से पहले मेरी आखिरी ख्वाहिश पूछने आया है ना? उसकी कोई जरूरत नहीं। मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी ख्वाहिश उसी दिन पूरी हो गई थी जिस दिन मैंने उसे मार दिया था। किसके इशारे पे किया है तूने सब? कौन है तुम्हारा सरगना और कितने लोग इस कत्ल में शामिल हैं? मेरे मकसद में और कोई शामिल नहीं है। मैं अकेला था, अकेला। सोच लो राजू, सच तो तुम्हें बतानी पड़ेगा, क्योंकि जो हथियार तुमने हमें दिया है उससे चली गोली से वर्मा साहब की मौत नहीं हुई है। नहीं, झूठ बोल रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। जिस पिस्तौल पर, जिस गोली पर मैं उसका नाम लिखता आया हूं, वो जिंदा बच ही नहीं सकता। मैंने उसका खून किया है। मैंने। पानी तो पी लीजिए। मुझे नहीं चाहिए। मीन साहब, मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या तुम उस आदमी को पहचान सकते हो जिसने ये कमरा लिया था? सर, ये तो बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि यहाँ रोज नए नए लोग आते हैं और सबका चेहरा पहचानना बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा, उस आदमी ने
अपनी एंट्री तो जरूर की होगी। जी हाँ। क्या मैं देख सकता हूँ? जी। जी ये। मुझे इसकी फोटोकॉपी चाहिए। यस सर, मिल जाएगी आपको। हैंडराइटिंग और सिग्नेचर मैच कर गए। इसका नाम रघु है, ये एक हिस्ट्री सीटर है, पिछले हफ्ते ये जेल से रिहा हुआ है। ये रही इसकी तस्वीर। कौन है तू?